हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मीन्स एरिया एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं, समझ लो आप वही सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। मतलब मैं अभी आपको जितने टॉपिक्स बताऊंगी आपके 12 के सिलेबस में जितने हैं, और भी कुछ हैं, लेकिन हमें अभी किस पर फोकस करना है जो आपके सिलेबस पे हैं। मैं आपको जितने स्कोप बताऊंगी ना, वो सब आपकी यूनिट्स हैं। यानी जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पूरी स्टडी करोगे तो आपकी एक के बाद यूनिट्स आएंगी। अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, पर नेक्स्ट टॉपिक से देखना मैं जितने स्कोप बता रही हूँ यही सब हमारे टॉपिक आएंगे। फर्स्ट है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, किसी इकोनॉमी की, किसी कंट्री की, किसी नेशन की नेशनल इनकम फाइंड करते हैं और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स मीन GDP, NDP, है ना। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, है ना, नेक्स्ट जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा ना अपना, देखना ये इंट्रोडक्शन के बाद यही आएगा, हमें नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने हैं, है ना। उसके बाद है थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम कीन्ज़ियन थियरी पढ़ेंगे, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाता है, ये सब हमारा थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो किसी भी इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड स्कोप क्या है, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उस कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको कैसे दूर किया जाए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है थियरी ऑफ मनी। थियरी ऑफ मनी में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, हम कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इन दोनों का इम्पोर्टेंस समझेंगे, कमर्शियल बैंक के काम, सेंट्रल बैंक क्या क्या करता है, और उसके बाद मनी कैसे क्रिएट होती है, है ना, ये सब हम थियरी ऑफ मनी में पढ़ेंगे, मनी के टाइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद थियरी ऑफ जनरल प्राइस, है ना, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब हमारा टॉपिक रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ना, ये सब टॉपिक रहेंगे, पर अभी आपको थियरी के लिए मैं समझा रही हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में अभी क्या भी लर्न करो, फर्स्ट स्कोप क्या लर्न करोगे, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, सेकेंड थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड थियरी ऑफ मनी, फोर्थ थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, फोर्थ है आपका थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। उसके बाद आप ले लो गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा बहुत पेपर पढ़ते होंगे और अब 12th में आ गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, एक कंट्री की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक से फंड जो है कलेक्ट कर उसको पब्लिक पर ही इन्वेस्ट करती है। उसके लिए जो बजट बनाती है, प्लानिंग करती है, वो गवर्नमेंट बजट होगा। ये अपने आप में एक टॉपिक आएगा आपको, है ना। उसके बाद है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होती है, हम हमारी करेंसी को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी से किस रेट में एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज रेट। और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के पेमेंट्स का बैलेंस। तो कहने को मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारे इसके टॉपिक्स आते जाएंगे। यदि आप अभी के लिए सिर्फ ऐसे ही लर्न कर रहे हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फटाफट फिर से याद हो जाएगा, मेरे बोलने से ही आपको याद हो जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ मनी, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल मीन्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, गवर्नमेंट बजट, एक्सचेंज रेट और एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये स्कोप है, ठीक है। और ये मैं एक एक दो दो लाइन समझा भी दूंगी अभी, लेकिन ये पूरे के पूरे आपको यूनिट्स और चैप्टर्स हैं, तो आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे, ओके।